अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इतने काफ़ी दिनों बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम आज कहीं बाहर चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भी काम पे जा रहे थे एंड मैं भी जा रही थी, तो घर पे ही थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि आज कोशिश करेंगे पूरा दिन के हम आज बाहर गुजारें। सो लेट्स स्टार्ट द डे एंड आई वांट टू टेक यू गाइस विद मी एज वेल, सो लेट्स गो। वी आर यहाँ पे, अभी हम काइट फ्लाइंग कर रहे हैं एंड ये रहा हमारा काइट। काफ़ी ऊपर जाएगा और भी, लेकिन अभी बादल है सो आई फील लाइक बारिश होगी। सो मैंने सिर्फ डोर ही पकड़ी है, उड़ा तो मेरे हस्बैंड ही रहे हैं। ओके आई विल गिव यू सम। आर यू एबल टू? ओके not too windy right now so it's fine. And I think सामने किसी मूवी की शूटिंग भी चल रही है। किसी और कंट्री में होता तो यहाँ पे लोगों का एक तांता बना होता, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मूवी की शूटिंग वहाँ पे चल रही है, सब अपने अपना ही काम ही कर रहे हैं। Where's the kite? वो रहा हमारा kite. Okay. Did you get the kite in the recording? Yes, I got it, yeah. ओके सो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती बिकॉज मैंने ये डोर भी पकड़नी है प्रॉपरली। और यहाँ पे सबसे एंड में मैंने सोचा मैं भी थोड़ी पतंग उड़ा लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी जो है पतंगबाजी कर ली थी। उन्होंने कहा कि अभी घर को चलते थे, फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ी पतंग उड़ा लूँ। पतंग उड़ाना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ जितने अच्छी तरह से मेरे हस्बैंड और मेरे भाई पतंग उड़ाते, लेकिन फिर भी मैं उड़ा लेती हूँ पतंग। अगर पतंग लड़ानी हो किसी के साथ तो मैं नहीं कर सकती। यहाँ पर जो है कैनेडा में आप देख सकते हैं लोग इतने स्पेशली इस तरह के पतंग नहीं उड़ाते, यहाँ पर बिल्कुल दूसरे तरह के पतंग होते हैं। तो अगर हम जब भी ये पतंग उड़ाते हैं, आसपास के लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि ये पतंग हमने कहाँ से लिया है, उनके लिए भी सरप्राइजिंग होता है। सो यहाँ पे मैंने पतंग उड़ा ली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। इनफैक्ट घर की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमारा प्लान है कि हम आज डिनर बाहर करेंगे। हम पूरी फैमिली साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिसाइड यही किया था कि आज का पूरा दिन हम बाहर स्पेंड करेंगे। सो स्टार्ट हमने पतंगबाजी से कर ली थी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन मौसम चूँकि यहाँ पर जो है सर्द है थोड़ा सा, तो इस वजह से धूप नहीं निकल रही, तो लग रहा है कि शाम का वक्त हो रहा है। लेकिन अभी आई थिंक सुपहर के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे हम इस रेस्टोरेंट आ गए हैं, आते आते ये काफ़ी दूर था जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमें यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका है। निकले हम दोपहर के वक्त में ही थे। ये रेस्टोरेंट जो है ये पर्शियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पर्शियन खाना मिलता है जो मेरी बहन को पसंद है, तो हम उनकी फरमाइश पे ही यहाँ पे आ गए थे। सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया था एंड मैंने भी, मुझे यहाँ का खाना पसंद है लेकिन इतना शौक से मैं नहीं खाती, बट सभी को यही पाना था तो फिर मैंने सोचा मैं भी यही से कुछ ले लेती हूँ अपने लिए। अदरवाइज़ मेरा दिल चाह रहा था कि हम सब तंदूरी फ्लेम जाए, बट ये रेस्टोरेंट भी अच्छा है, यहाँ का खाना भी अच्छा है, लेकिन इसमें इतना स्पाइसेस मसाले वगैरह ये लोग यूज़ नहीं करते, इस वजह से मुझे यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता। पर ओवरऑल इनका खाना बहुत अच्छा होता है, लाइक इनके जो कबाब होते हैं, चावल वगैरह सब बहुत सॉफ्ट, काफ़ी मज़े के होते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो है मिर्च मसाले जो होते हैं काफ़ी कम होते हैं। आई थिंक पर्शियन लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते कम्पेयर टू आस, हम ज़्यादा मिर्च मसाले ले लेते हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट बताएं कि आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है या जिस तरह के पर्शियन लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा स्पाइस, गरम मसाला ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं करते, उस तरह का आपको पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। खाना अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा था, सब ने इन्जॉय किया, द मेन थिंग सब साथ मिलकर खाना खा रहे थे तो खाने का मज़ा जो है दोबाला हो गया था। सब ने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली थी, पॉप्स वगैरह, मैंने सिर्फ जो है पानी ही पी लिया था क्योंकि मैं पेप्सी वगैरह कुछ नहीं पीती। तो अभी हमने जो खाना मेरा रह चुका था वो मैंने अपने पैकअप कर लिया था, यहाँ से अभी हम जाएंगे। वी आर प्लानिंग टू गेट डिज़र्ट्स। और इत्तेफाक से रेस्टोरेंट के सामने ही ये पर्शियन बेकरी थी, तो हमने सोचा हम यहीं से कुछ ले लेंगे, विच वाज वेरी नाइस। हम यहाँ पे गए, ऑब्वियसली यहाँ पे
जो ईरान में जो स्वीट्स मिलते हैं उन्होंने कंपेयर टू दैट वही जो है उन्होंने स्वीट्स बना लिए थे, गुलाब जामुन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं था, बट हमें जो जो चीज़ें यहाँ से पसंद आई हमने वो ले ली। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं हमने सोचा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था इस वक्त कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट आप देख सकते हैं ये लाइट्स वगैरह इतने प्यारे लग रहे हैं, जो है लॉन्ग ड्राइव का जो है मज़ा दोबाला हो गया था इससे। उसके बाद हम इस जगह पे आ गए थे, यहाँ पे मैं आके कंफ्यूज हो गई थी, आई वाज लाइक हम जा कहाँ पर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मेरी बहन ने मुझे रिमाइंड करवाया कि ये वही जगह है जहाँ पे हम आज से तकरीबन 5 साल पहले गए थे, जब मेरे कज़न्स यहाँ पे आए थे। आई मिस देम सो मच, उनके साथ हम यहाँ पे आए थे। एंड आई रिमेंबर जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे कज़न्स के साथ, वी हैड सो मच फन हेयर, हमने यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड किया था। हम जो है कश्ती में भी गए थे एंड आज यहाँ पे आके स्पेसिफिकली इस पोर्शन पे जहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ताले वगैरह हैं, मैं हमेशा अपनी कज़न से कहती थी कि अगली मरतबा जब भी मैं आऊँगी मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ आऊँगी, आई मीन मेरे हस्बैंड के साथ। एंड टुडे मैं एग्जैक्टली दूसरी मरतबा यहाँ पे आई हूँ, काफ़ी इत्तेफाकन ये सब हो चुका था और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं अपने पूरे जो मेरे कज़न्स है कुछ जो है यहाँ पे कनाडा में हमारे साथ नहीं रहते लेकिन वो हमें यहाँ पे विज़िट करने आए थे। आई रिमेंबर मैं उनको बहुत याद करती हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आई होप हम इसी तरह हल्ला गुल्ला जो है एक मरतबा फिर से करेंगे। यहाँ पे आकर सारी पुरानी यादें जो है मेरी ताज़ा हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आई वुड से आज के दिन का सबसे अच्छा पार्ट यही था, मैं यहाँ पे आ गई थी और स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ, ताकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। घर यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और जो जो डिज़र्ट हमने ली थी ऑब्वियसली हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया, क्योंकि जब आप कार में खाना वगैरह खाते हो इट गेट्स मेसी। सो हमने सोचा घर जाके ग्रीन टी के साथ डिज़र्ट ले लेंगे एंड ऑनेस्टली सब ही डिज़र्ट बहुत मज़े के थे, इट वॉज़ वेरी डिलिशियस। बस यही था मेरा आज का व्लॉग दोस्तों, आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इफ़ यू डिड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स डाउन बिलो आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।